Okay, so our next topic is to determine the compressive strength of cement sand mortar cube. ठीक है, सीमेंट सैंड मोटर क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने डिटरमिन करनी है एंड द लेंथ. डू यू नो दी व्हाट इज मोटर? आपको पता है मोटर क्या होता है? नो आइडिया. देखिए, अगर आप सीमेंट के साथ इफ यू आर एडिंग वाटर, ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा? सीमेंट पेस्ट बनेगा. अगर आप सीमेंट के साथ पानी को ऐड करेंगे सो यू विल गेट सीमेंट पेस्ट. अब अगर आप इस सीमेंट पेस्ट के साथ अगर आप सैंड को ऐड कर रहे, फाइन एग्रीगेट को अगर आप ऐड कर रहे सो यू विल गेट मॉर्टर, ठीक है. और अगर आप इसके साथ कोर्स एग्रीगेट भी यूज कर रहे देन यू विल गेट कंक्रीट. अभी क्लियर हो गया? तो मोर्टर क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट वाटर एंड सैंड. ओनली एडिंग वाटर टू द सीमेंट सो यू विल गेट सीमेंट पेस्ट. अगर आप सीमेंट पेस्ट में सैंड को भी ऐड कर रहे सो यू विल गेट मोर्टर. And by adding coarse aggregate, so then you will get concrete. Okay, compressive strength. Any idea about the compressive strength? No idea? Meri awaaz clear hai? Sir, clear hai. ठीक है. आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का आइडिया नहीं है कि क्या चीज है? तो देखिए, मैं आपको समझाता हूं. देखिए, अगर आपके पास कोई मटेरियल है या आपके पास कोई मेंबर है और इस मेंबर पे आपके पास लोड इस तरह लग रहा है, इस पे फोर्स इस तरह लग रहा है कि ये इसकी लेंथ को रिड्यूस करे, इसको शॉर्टन करे, तो इस किस्म के लोड को फिर हम कहते हैं कंप्रेसिव लोड या कंप्रेसिव फोर्स. देखिए, लोड और फोर्स सेम चीजें हैं. अब अगर आप अभी आप सिविल इंजीनियरिंग में आए हैं तो इंस्टेड ऑफ फोर्स हम लोड के टर्म को यूज करेंगे, ठीक है, इससे आप फेमिलियर हो जाएंगे. देखिए, अगर आपके पास किसी मेंबर पे लोड इस तरह लग रहा है, फोर्स इस तरह लग रहा है, ये इसके डायमेंशन को, इसके लेंथ को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, तो इस किस्म के फोर्स को फिर हम कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है. अब देखिए, कोई मेंबर, कोई मटेरियल, उसकी वो कितना कंप्रेसिव लोड को रिजिस्ट कर सकता है, जो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोड डेट विल बी रिजिस्टेड बाय अ मेंबर डेट विल बी रिजिस्टेड बाय अ मटेरियल डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल. So you will get the strength of the material, compressive strength of that material or of that member. अगर किसी member पे आप load apply कर रहे हैं, load apply कर रहे हैं और ये load आपके पास compressive load है, compressive force है. अब आपको compressive force की definition का पता है. अब देखिए, अगर आप load को increase करेंगे, एक time आ जाएगा कि आपके पास ये material fail हो जाएगा. तो जिस load पे आपके पास ये material fail हुआ है, ये वो maximum load है जो ये मटेरियल रेजिस्ट कर सकता है. अगर इस लोड को अगर आप डिवाइड करेंगे बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल सो यू विल गेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है, और यू विल गेट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. अगर लोड आपके पास कंप्रेसिव लोड है, कंप्रेसिव फोर्स है, तो जो स्ट्रेंथ आपके पास होगा इट विल बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. और नॉर्मली कंक्रीट को हम यूज कर इन स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ इट्स हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है, इसलिए ये हम नॉर्मली स्ट्रक्चर्स में इसको हम एज अ मटेरियल यूज करते हैं. ओके, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ दिस टेस्ट? दिस टेस्ट मेथड इट इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट मोर्टर.
देखिए हम ये टेस्ट सीमेंट पे परफॉर्म नहीं कर रहे, हम सीमेंट मोटर पे परफॉर्म करते हैं, और इसका जो मेन रीजन होता है वो यहाँ पर एंड पे फिर मैंने इसको क्लियर कर दिया है कि हम सिर्फ सीमेंट पेस्ट को क्यों यूज नहीं कर रहे। हम इसमें हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दी सीमेंट सैंड मोटर मालूम कर रहे, सिर्फ सीमेंट की मालूम नहीं कर रहे। तो इसके पीछे इसके इसके बिहाइंड रीजन क्या है वो भी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो दिस टेस्ट मेथड इट कवर्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट मोटर यूजिंग 2 इंच क्यूब स्पेसिमेन और 550 मिलीमीटर क्यूब स्पेसिमेन। ठीक है, तो हमने 2 इंच क्यूब स्पेसिमेन हमने मालूम करनी है, सॉरी कास्ट करनी है, और यूजिंग दैट स्पेसिमेन फिर हमने वी हैव टू डिटरमिन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोलिक सीमेंट मोटर। देखिए द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन सीमेंट, सो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज। देखिए हार्डन सीमेंट या हार्डन कंक्रीट की हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। आपने यू हैव डन इट इन योर थ्योरी कोर्स। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है हमारे पास हार्डन सीमेंट की, हार्डन कंक्रीट की, लेकिन इनमें से जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास है इट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द हार्डन सीमेंट। इफ यू नो द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन सीमेंट और हार्डन कंक्रीट, तो जो बाकी प्रॉपर्टीज है उनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशंस, यूजिंग कोरिलेशंस। एंड दिस इज द रीजन दैट सीमेंट इट विल बी ऑलवेज टेस्टेड फॉर इट्स स्ट्रेंथ एट द लेबोरेटरी बिफोर द सीमेंट इज यूज इन इम्पॉर्टेंट वर्क। देखिए कंक्रीट को, सीमेंट को तो खैर हम सिर्फ सैंपल को हम सीमेंट या सीमेंट मोटर को तो हम फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं करते बिफोर द यूज इन दी कंस्ट्रक्शन वर्क, लेकिन हम सीमेंट हम कंक्रीट को हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, कंक्रीट के सैंपल्स हम बना देते हैं और उन उन सैंपल्स को फिर हम टेस्ट करते हैं टू डिटरमिन इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और उसके बाद जाके उस कंक्रीट को हम स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं। ठीक है, देखिए कंक्रीट को हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर में यूज नहीं करते। सबसे पहले आपने लैब्स में इसकी सैंपल्स बनानी होती है और उस सैंपल्स को आपने टेस्ट करना होता है इन द लैब्स टू डिटरमिन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसके बाद अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपके पास सफिशेंट है, ठीक है, इफ इट इज इक्वल टू द डिजाइन स्ट्रेंथ, तो उसके बाद जाके हम उस कंक्रीट को हम यूज करते हैं इन स्ट्रक्चर्स। ओके, स्ट्रेंथ टेस्ट दे आर नॉट मेड अ नीट सीमेंट पेस्ट। अब देखिए हम ये जो टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं तो ये हम सीमेंट सैंड मोटर पे परफॉर्म कर रहे हैं, हम नीट सीमेंट पे परफॉर्म नहीं करते। इसका जो मेन रीजन है वो है एक्सेसिव श्रिंकेज एंड क्रैकिंग ऑफ द नीट सीमेंट। देखिए ये जो श्रिंकेज हमारे पास कंक्रीट में होता है ये एक्चुअली आपके पास सीमेंट पेस्ट की वजह से होता है। सीमेंट पेस्ट हमारे पास क्या होगा, श्रिंक होगा। जब सीमेंट पेस्ट आपके पास हार्ड हो जाता है, ठीक है, जब ये ड्राई हो जाता है तो आपके पास श्रिंकेज अकर हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव श्रिंकेज यू विल हैव क्रैक इन द सीमेंट। तो इस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीमेंट पेस्ट को हम यूज नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग द सीमेंट सैंड मॉर्टर फॉर द टेस्ट। ओके, what is the reference method for the test? So the reference method for the test is ASTM C109. मैं ये अपलोड भी कर दूंगा, ASTM C109 में क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको रीड कर सकते हैं। ये लेक्चर भी मैंने ASTM C109 से प्रिपेयर किया हुआ है। ओके, apparatus used in the compressive strength test of the cement sand mortar. तो अपरेटस में हमारे पास है वैंग बैलेंस और वेट बैलेंस, जिससे हमने मटेरियल्स को वेट करना है, हमने सीमेंट को वेट करना है, हमने सैंड को वेट करना है, हमने वाटर को वेट करना है। सिमिलरली वी विल हैव ग्लास सिलेंडर टू मेजर वाटर। अगर आप वॉल्यूम में पानी को मेजर कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज दिस। वी विल हैव अ ट्रवल और स्पेचुला फॉर दी लेवलिंग ऑफ द मोटर। वी विल हैव क्यूब मोल्ड। देखिए ये फिगर में आपको क्लियर है, ये क्यूब मोल्ड्स है और इन मोल्ड्स में हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर द
सीमेंट मोट, हमें वी हैव टू प्रिपेयर द मोटर मोल्ड्स, या हमने मोटर के सैंपल्स बनानी होगी इन मोल्ड्स में, यू विल हैव सीमेंट, यू विल हैव स्टैंडर्ड सैंड, यू विल हैव डिस्टिल्ड वाटर एंड यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, दिस इज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये टेस्ट जो हम परफॉर्म करेंगे तो हम इसको परफॉर्म करेंगे इन द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जो लोड हम अप्लाई करेंगे क्यूब्स पे तो वो हम इस मशीन के थ्रू अप्लाई करेंगे, और यहाँ डायल से आपने मेजर करना होगा वो लोड जिस पे आपके पास सैंपल क्या होगी, फेल होगी। दिस इज द अपरेटस दैट विल बी यूज इन द टेस्ट। ओके, सो व्हाट आर द प्रोसीजर? The proportions of the material for the standard mortar, it shall be one part of the cement to 2.75 part of the standard sand by weight. देखिए आप material के दरमियान mortar जब आप बनाएंगे तो mortar में आपने cement और सीमेंट को आपने ऐड करना है विद वाटर प्लस सैंड, ठीक है? तो इससे हमारे पास मोटर बन जाएगा। अब देखिए आपके पास सीमेंट कितना होना चाहिए, सैंड आपके पास कितना होना चाहिए और वाटर आपके पास कितना होना चाहिए। तो देखिए, सो द प्रोपोर्शंस ऑफ द मटेरियल फॉर स्टैंडर्ड मोटर शेल बी वन पार्ट ऑफ द सीमेंट टू 2.75 पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड सैंड। आपके पास सीमेंट और सैंड में जो रेशियो होगी, जो प्रोपोर्शन होगी वो 2.71:2.75 होगी। अब अगर आपके पास 1 ग्राम, अगर आप 1 ग्राम आप सीमेंट ले रहे तो 2.75 ग्राम आपके पास क्या होगा, सैंड होगा। अगर आप 10 ग्राम आप सीमेंट ले रहे तो 2.75 ग्राम आपके पास क्या होगा, इट विल बी दी सैंड। तो देखिए ये आपके पास रेशियो होगा बिटवीन द सीमेंट एंड सैंड, ठीक है? फॉर वन पार्ट ऑफ सीमेंट यू हैव टू ऐड 2.75 पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड सैंड। अब देखिए पानी हम कहां से ऐड करेंगे, सो फॉर वाटर यूज अ वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.485 फॉर ऑल द पोर्टलैंड सीमेंट एंड 0.406 फॉर द ईयर एंड ट्रेन पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए हमारे पास दो किस्म के सीमेंट होगी, या तो हमारे पास नॉर्मल पोर्टलैंड सीमेंट है, इसमें हमारे पास ऑल द टाइप्स ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट आ रही है, वेदर इट इज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इट इज अ लो हीट सीमेंट, हमने ऑलरेडी आपने पढ़ी होगी इन योर चैप्टर नंबर एंड सीमेंट चैप्टर, हमारे पास टाइप 1 सीमेंट है, टाइप 2 सीमेंट है, टाइप 3 है, टाइप 4 है, तो ये ऑल आर द टाइप्स ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। इसके अलावा हमारे पास ईयर एंड ट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट भी है। अगर आपने पोर्टलैंड सीमेंट में ईयर एंड ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स ऐड की है सो द पोर्टलैंड सीमेंट विल बी कॉल्ड एज द ईयर एंड ट्रेन पोर्टलैंड सीमेंट। इसको हम कहते हैं टाइप 1A, टाइप 2A, टाइप 3A, ठीक है? अब देखिए नॉर्मली हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को ऐड करते हैं सो द वाटर टू सीमेंट रेशियो विल बी 0.485 will be the water cement ratio. अब देखिए water cement ratio क्या है? Weight of the water divided by weight of the cement. तो ये देखिए ये ratio आपके पास होनी चाहिए 0.485 आपके पास water to cement ratio होनी चाहिए। अब देखिए we know the amount of the cement. अब देखिए cement की amount हमें मालूम होगी, ठीक है? और आपको ये वाटर सीमेंट रेशियो भी मालूम है 0.485 आपके पास वाटर सीमेंट रेशियो होनी चाहिए, तो यहां से आप अमाउंट ऑफ द वाटर को मालूम कर सकते हैं जो आपने ऐड करना होगा इन द मोर्टर। अब देखिए एसटीएम ने हमारे लिए काम को बहुत आसान किया हुआ है। एसटीएम को अगर आप देखें, एसटीएम C109 को अगर आप देखें तो वहां पे हमारे पास एक टेबल होगा
ये टेबल आपको मिल जाएगा और इस टेबल में आपको गिवन है अगर आप 6 क्यूब्स बना रहे तो आपको 500 ग्राम सीमेंट लेनी चाहिए और आपको 1375 ग्राम ऑफ दी सैंड आपने देनी चाहिए। और अगर आप पोर्टलैंड सीमेंट को अगर आप यूज कर रहे ठीक है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या एनी टाइप ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट सो दी अमाउंट ऑफ वाटर इन एमएल विल बी 242। और अगर आप 9 क्यूब्स को अगर आप बना रहे तो ये आपके पास अमाउंट ऑफ द सैंड अमाउंट ऑफ द सीमेंट और अमाउंट ऑफ वाटर आपके पास होगा। तो एएसटीएम ने हमारे लिए काम को बहुत आसान किया है। लेकिन नॉर्मली हम या तो हम 6 नंबर ऑफ क्यूब्स बनाएंगे या हम 9 नंबर ऑफ क्यूब्स बनाएंगे। तो अगर आप वो बनाएंगे तो ऑलरेडी हमारे पास द अमाउंट ऑफ द सैंड वेट ऑफ द सैंड वेट ऑफ द सीमेंट एंड आल्सो द वॉल्यूम ऑफ द वाटर हमें मालूम है। इन चीज इनको हमने जस्ट मिक्स करना है और सीमेंट सीमेंट सैंड मोटर हमने इसे बनाना है। ओके जब आप सीमेंट को आप वेट करते हैं लेट सपोज हम 6 नंबर ऑफ मोल्ड्स हम बना रहे 6 नंबर ऑफ क्यूब्स हम बना रहे या हम 9 क्यूब्स हम बना रहे तो फॉर दैट यू हैव टू वेट 50 ग्राम ऑफ सीमेंट और 740 ग्राम ऑफ सीमेंट। सिमिलरली यू हैव टू वेट सैंड ऑफ दिस अमाउंट एंड यू हैव टू मेजर वाटर ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट। इसके बाद आपने इनिशियली आपने सीमेंट और वाटर को मिक्स करना है उसके बाद आपने इसमें सैंड डालना है और मिक्सिंग के बाद आपके पास सीमेंट सैंड मोटर बन जाएगा आपके पास। सो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द मिक्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द सीमेंट सैंड मोटर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द मोल्ड शुड बी फिल्ड विद द मोटर। इसके बाद आपने इन मोल्ड्स में आपने मोटर को फिल करना है ठीक है आपने मोटर को इन मोल्ड्स में फिल करना है ठीक है और मोटर सैंपल्स आपने बनानी है। ठीक है द लेयर ऑफ द मोटर अबाउट वन इंच थिक इज फर्स्ट प्लेस इन द मोल्ड। देखिए इस तरह नहीं करना कि आपने मोल्ड कंप्लीटली फिल करना है। देखिए मोल्ड की जो हाइट होगी हमारे पास वो 2 इंच है तो आपने 2 लेयर्स में मोटर को डालना है मोल्ड में। इनिशियली जब आप अप्रोक्सीमेटली 1 इंच आप फिल करें मोल्ड को विद दी मोटर और आप इसको टैम्प करें विद दी टैम्पर फॉर 32 टाइम्स एक रॉड से आप इसको टैम्प करें ताकि ये कंपैक्ट हो जाए ठीक है। इसके बाद जो रिमेनिंग मोल्ड है उसको आप फिल करें इन लाइक दी जिस तरह आपने 1 इंच आपने फर्स्ट लेयर डाला था तो एक नेक्स्ट लेयर भी फिर आप डालें और इसको आप अगेन 22 टाइम्स इसको आप विद अ टेम्पर आप टैम्प करें ठीक है तो मोल्ड्स आपके पास फिल हो जाएगी। इसके बाद आपने मोल्ड्स को लेवल करना है विद दी स्पेचुला और विद दी ट्रवल। जब आप फिलिंग को कंप्लीट कर देंगे तो देन आप देन यू हैव टू प्लेस द मोल्ड इन मॉइस्ट एयर फॉर 24 आवर्स। मोल्ड को फिल करने के बाद वट यू हैव टू डू आपने उन मोल्ड्स को मॉइस्ट एयर में रखना है फॉर 24 आवर्स एंड आफ्टर द 24 आवर यू हैव टू डी मोल्ड द स्पेसिमेन या आपने स्पेसिमेन को मोल्ड से निकालना है एंड यू हैव टू इमर्स देम इन वाटर फॉर द रिक्वायर्ड एज ठीक है। जब आप देखें मोल्ड को आप मोटर से फिल कर देते हैं तो 24 आवर के लिए आप इसको मॉइस्ट एयर में रखें ताकि ये आपके पास सेट हो जाए ठीक है कोई स्पेसिफिक शेप ये मेंटेन कर ले। इसके बाद आफ्टर 24 आवर्स आपने सैंपल्स को पानी में इमर्स करना है रिक्वायर्ड एज के लिए। रिक्वायर्ड एज से मतलब ये है कि आप कितने डेज के बाद टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए या हम सीमेंट को आफ्टर 3 डेज मोटर को हम या आफ्टर 3 डेज टेस्ट करेंगे या इसको हम आफ्टर 7 डेज हम टेस्ट करेंगे या इसको हम आफ्टर 28 डेज हम टेस्ट करेंगे तो आपने रिक्वायर्ड टाइम के लिए इसको पानी में इमर्स करना है।
अगर आप आफ्टर थ्री टाइम आफ्टर थ्री डेज अगर आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, सो यू हैव टू इमर्स द स्पेसिमेन इन द वाटर फॉर थ्री डेज. अगर आप सेवन डेज के बाद टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, सो यू हैव टू इमर्स द सैंपल फॉर सेवन डेज. और अगर आप 28 डेज के बाद टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वी हैव टू इमर्स द मोटर फॉर 28 डेज. देखिए, हम 9 सैंपल्स हम बनाएंगे. थ्री सैंपल्स को हम 3 डेज के लिए पानी में इमर्स करेंगे. एंड आफ्टर 3 डेज वी विल टेस्ट इट फॉर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. 3 सैंपल्स को हम 7 डेज के बाद टेस्ट करेंगे. सो इसको उन 3 सैंपल्स को हमने रखना होगा अंडर द वाटर फॉर 7 डेज. और जो रिमेनिंग 3 सैंपल्स हमारे पास होगी, उनको हम टेस्ट करेंगे आफ्टर 28 डेज. सो उन सैंपल्स को हमने रखना है इन द वाटर फॉर 28 डेज एट ए टेम्परेचर ऑफ 23 ± 2°C. देखिए, जो पानी आपके पास होगा जिसमें आप ये सैंपल रखेंगे, उसकी जो टेम्परेचर होगी वो 23 ± 2°C होनी चाहिए. देखिए, जब आपके पास क्यूरिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो सैंपल्स को आप वाटर से निकाले एंड कीप इट इन ईयर टू गेट दियर सरफेस ड्राई. ठीक है, देखिए, जब आपके पास क्यूरिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, देन यू हैव टू टेस्ट द स्पेसिमेन. तो टेस्ट करने से पहले उसको आप ईयर में रखें, ताकि या विद सम चीज से आप उसको आप क्या करें, इसको आप उसकी सरफेस को आप ड्राई करें. आफ्टर दैट यू हैव टू कीप द स्पेसिमेन इन द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन. स्पेसिमेन को आप यहां पर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में आप रख के, और इस तरह आप रखें कि ये सेंटर रहो. ठीक है, इसके बाद आप ये जो अपर प्लेट है हमारे पास, इस अपर प्लेट को आप नीचे करें और इस स्पेसिमेन पे आप लोड को अप्लाई करें. ठीक है, जब आप लोड को अप्लाई करेंगे, तो यहां पर आप लोड को नोट करेंगे. जिस लोड पे आपके पास ये स्पेसिमेन फेल हो जाएगा, तो वो लोड आपने नोट करना है. ठीक है, अब यू नो द लोड, द फ्लेवर लोड, आपको मोल्ड की क्रॉस सेक्शन एरिया का पता है. सो डिवाइडिंग द लोड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यू विल गेट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट सैंड मॉर्टर क्यूब. ठीक है, सो दिस वाज द प्रोसीजर. ठीक है, 3 सैंपल्स को हम आफ्टर 3 डेज हम टेस्ट करेंगे. ठीक है, तो दिस विल बी योर सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2 एंड सैंपल नंबर 3. इनकी जो स्ट्रेंथ हमारे पास होगी, उनको हम एवरेज करेंगे और यहाँ पर उसको आप लिख लें. आफ्टर 7 डेज हम 3 सैंपल्स को हम टेस्ट करेंगे और इनकी एवरेज फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पर हम उन सैंपल्स को हम यहाँ पर आप लिखेंगे जिसको आप आफ्टर 28 डेज आप टेस्ट करेंगे. देखिए, प्रोसीजर को आप वीडियो से आप देख सकते हैं. Compressive strength test of cement. The compressive strength is the basic important data required to be considered to choose the type of cement for the construction site. The compressive strength quality of any cement is controlled by the type and the degree of adulteration in cement. The test specimens are formed in the side length of 70.6 millimeters. देखिए, ये जो वीडियो है, एक्चुअली ये मैंने लिया हुआ है, जो वीडियो मैंने यहाँ पे आपको प्ले की है. सो इट इज ऑन द इंडियन स्टैंडर्ड. हमारी जो सैंपल होगी वो 50 mm तक होगी. ठीक है ना, वो क्यूब होगा और 50 mm हाइट होगा. बाकी जो डायमेंशन होगी वो भी आपके पास 50 mm होगी. तो टेस्ट प्रोसीजर हमारा सेम है, लेकिन यहाँ पर आपके हमारा जो मोड होगा, सो इट विल बी डिफरेंट, साइज हमारा डिफरेंट होगा. 76 millimeters cubes. Generally, the specimens larger than this should not be made as cement shrinks and cracks. The temperature of water and test room should be 27 degree. According to ASTM, the temperature should be 23 plus minus 2 degrees C. Plus or minus 2 degrees Celsius.
the mixture of cement and standard sand in the proportion of 1:3 by weight is mixed dry. हमारा प्रोपोर्शन था 1:2.75, ठीक है. तो एएसटीएम का जो प्रोपोर्शन है वो 1:2.75 है, वाइल इंडियन स्टैंडर्ड की जो है वो 1:3 है. I with a trowel for 1 minute. Then add the water to form a standard consistency paste. The materials for each cube should be mixed separately. Generally, the quantities of cement, standard sand and water are 200 gram, 600 gram and 3x4. Okay, hum kahan se lenge? तो यहाँ पे एसटीएम का टेबल है एंड यू हैव टू टेक द सीमेंट सैंड एंड वाटर फ्रॉम दिस टेबल. ठीक है, अगर आप 6 सैंपल्स आप बना रहे हैं तो आप यहाँ से आप वैल्यूज देंगे. अगर आप 9 सैंपल्स आप बना रहे हैं तो आप यहाँ से वैल्यूज आप लेंगे. अगर आप 2 or 3 सैंपल्स आप बना रहे हैं तो आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं उनको. ठीक है, the vibration table rolled completely with the cement paste and is placed on the vibration table. देखिए, अगर आप कंपैक्शन के लिए हम टैंपिंग भी कर सकते हैं भाई थ्रू रॉड्स. अगर आपके पास वाइब्रेशन टेबल है तो वाइब्रेशन टेबल को आप यूज करके आप कंपैक्शन कर सकते हैं आप दी सीमेंट मॉर्टर. Vibrations are imparted for about 2 minutes at a speed of 12,000 plus or minus 400 RPM per minute. Similarly, 3 specimen cubes are prepared. The cubes are then removed from the molds and submerged in clean fresh water. Okay, after 24 hours, jab aap cubes ko aap remove karenge, then you have to immerse it in water for the required age. Agar aap 3 days ke baad test ko perform karenge, to aap you have to immerse the cubes for 3 days in the water. Agar aap 28 days ke baad test perform karenge, then you have to immerse the sample for 28 days. After the while, the cubes are taken out for testing in a compression testing machine. The load is applied starting from zero at a rate of 35 newton per square millimeters per minute. Okay, according to the ASTM, the load aapke paas hoga, wo 200 se 400 pounds per second ke darmiyan mein hona chahiye. Vibration. Similarly, after the while, the load per minute. Note down the maximum load at which the cube fails. The compressive strength is calculated from the crushing load divided by the average area over which the load is applied. So, yeah, so then you can know. The result is expressed in newton per millimeter square. देखिए, आप रिजल्ट्स को न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर में आप मिलीमीटर स्क्वायर में भी आप नोट कर सकते हैं या आप इसको पाउंड पर स्क्वायर इंच में भी ले सकते हैं पीएसआई. ठीक है, सो